खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पंजाब कल्चर डे की। शहीद मिलत स्कूल अकल शाह में पंजाब कल्चर डे के सिलसिला के हवाले से खसूसी तकरीब हुई और मेहमान खसूसी जनाब असिस्टेंट कमिश्नर अनिम अली खान साहिबा थी और शहीद मिलत स्कूल के सरबरा पंजाब कल्चर डे के हवाले से अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं। आपको बराह रास्त सुनवाते हैं। इस दे नाल सानूं इह पता चलेगा, साडी नस्ल नूं वी पता चलेगा कि असल पंजाबी सकाफत साडी है की, क्योंकि सारी कौमां अपनी सकाफत नूं जिंदा रखदे ने ते पंजाब जिहड़ा इक वाइस सूबा है साडा पाकिस्तान दा, इत्थे सकाफत जिहड़ी है ओह रोज़ बरोज़ जिहड़ी है गुम हो रही है। हकूमत पंजाब दे वज़ीर आला जनाब उस्मान मुज़दार साहब दा इह फैसला बड़ा दुरुस्त है कि पंजाब कल्चर डे मना के उन्होंने साड़ी सकाफत दोबारा जिंदा करने की भरपूर कोशिश की है। मैं हुकूमत नाल मुतालबा करांगा कि प्राइमरी एजुकेशन जिहड़ी है ये तो पूरे पंजाब के अंदर पंजाबी जबान दे विच राज की जाए, ताकि बच्चे जिहड़े हैं वो अपनी मादरी जबान के अंदर अच्छे तरीके नाल गल्लां नूं समझ सकन ते कंसैप्ट अपने क्लीयर कर सकन। पंजाब के बच्चों के अलमी है कि पहले ही इतने तालीम वाले पास लोगों की कम तवज्जो और जोड़े पढ़ स्कूले आते भी हैं उन्होंने तो अपने कंसैप्ट ही क्लीयर नहीं होंगे। जो तो अपनी मादरी जबान पढ़ेंगे तो टीचर उन्होंने मादरी जबान पढ़ाएगा तो यकीनी तौर पर उन्होंने कंसैप्ट क्लीयर हो जाएंगे। साड़ा बच्चा कॉलेज पहुँच जाता है पंजाब का, उसको यही नहीं पता चलता कि तरबूज किनू कहते हैं तो खरबूजा किनू कहते हैं। वो कॉलेज पहुँच जाएगा लेकिन उन्होंने तरबूज से खरबूजे का पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर असी उन्होंने अपनी जबान के कंसैप्ट दे दीए कि भाई हिंदवाणे है ए रेंडी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और अगर लोगों को फिर मुख्तलिफ जबान अंदर कंसैप्ट क्लीयर नहीं कर सकेगा। शुक्रिया।